मुल्ला जी की पहले से चार चार बीबियां हैं, लेकिन हरकत ऐसी कि सुनकर आप भी पानी पानी हो जाइएगा। मुल्ला जी अब अपने ही मोहल्ले की महिला को लेकर भाग गए हैं। बताया जा रहा है कि जिसे लेकर मुल्ला जी फरार हुए हैं वो उनकी गर्लफ्रेंड है। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र के आजाद हिंद मोहल्ला का ये मामला है। मुल्ला जी का नाम नसीम अंसारी है। लोगों का कहना है कि नसीम पांचवी शादी करने का रिकॉर्ड बनाना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने ऐसी हरकत की है। हालांकि स्थानीय लोग अब उनकी तलाश में जुट गए हैं। और कितने लोग हमको बोलते थे कि देखो तुम्हारा हस्बैंड है ऐसा ऐसा काम करता है, तुम अपना हस्बैंड को काहे नहीं समझाती है, तो हमको यकीन नहीं आता था, विश्वास नहीं करते थे कि वो इस तरह का काम कर सकता है। पर अब यकीन आ गया है कि वो यकीन आ गया कि वो दो बीवी पहले से छोड़ा। जब मेरे दो बच्चे हो गए तब मुझे पता चला कि इसकी दो बीवी और है पहले से, हम इसकी तीसरी हैं। और फिर मेरे बच्चा हुआ, मेरे बच्चे उच्चा होने के बाद में फिर एक लड़का हुआ, उसके बाद में 8 महीना का मेरा गोद में लड़का था, और उसी टाइम से ये मतलब फिर भागा लेके लड़की, फिर आया फिर भागा, मतलब इसका पैसा है। अब मुझे यकीन हो गया कि इसका पैसा है। क्या करें, अब 5 गो बाल बच्चा है तो अब तो देखना ही पड़ेगा किसी तरह, अब तो उसका आसरा नहीं है। एक बार तो जेल थाना हुआ, हम लोग गलत मान लिए कि चलो भाई गलत किया, किसी के साथ तो सज़ा मिलना चाहिए, मिल गया कोई दिक्कत नहीं, उसको किसी तरह हम लोग निकाले, 2 महीना बेटी के साथ में बाल बच्चा के साथ में रह के, अब फिर वो चला गया वही लड़की के साथ। साजा इसको मिलना चाहिए, बेटा के तरह इसको मानते थे, लेकिन अब नज़र से गिर गया, अब हमको नहीं चाहिए। हमारा 6 गो लड़की है, 6 लड़की का माँ है हम, लेकिन इस लड़की का हालात देख के अब हमको लग रहा है कि ज़िंदगी कैसे कटेगा इसका। इसका इंसाफ चाहिए हमारा बेटी को, और कुछ नहीं चाहिए। इस बेटी का, आपका जो बेटी का बाल बच्चा कितना है? 3 है, 2 पहले से ला के छोड़ रखा है कहीं से, कोई बीबी छोड़ के भाग गया तो वो बच्चा इसी के सर पर दे दिया है ला के। और हम लोग पोस पास के बच्चा लोग के जवान किए रखें, 10 बरस बेटी के साथ मेरा रहा, मेरा भी विश्वास जम गया कि चलो 10 बरस रह गया है अब कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा किया कि हम लोग के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा धोखा कि हम कहा बोले, झूठ बोल के धोखा दे के शादी किया। उसका घर तक आदमी देखने गया तो भी हमको मालूम नहीं चला, और न तो हम किसी कीमत में नहीं देते, झूठ बोल के धोखा दे के शादी किया। उसके घर में कौन कौन है? उसका घर में बाप माँ भाई भौजा सब मौजूद है, अच्छा खासा घर का लड़का है, कोई नहीं बताया कि ये पहले से था। अच्छा खासा घर खानदान का लड़का है, लेकिन ये बहुत बड़ा क्राइम निकल गया, क्राइम के नाम पर